नमस्कार, मैं हूं रुपावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। ग्राम सुंदरपुरा धाड़ा स्थित नाड़ा वाले ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय 108 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ आज छठवें दिन भी अनवरत रूप से जारी रहा। यज्ञ के दौरान 108 हवन कुंडों पर विराजमान यजमानों द्वारा प्रतिदिन 1,07,000 आहुतियां दी जाती रही है, तो वहीं यज्ञशाला में परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से आयोजकों का उत्साह वर्धन होता रहा है। मंदिर समिति से जुड़े भामाशाह संजय मित्तल के अनुसार वृंदावन से आमंत्रित महंत मोहन दास महाराज, प्रेमदास महाराज और उनके शिष्य बिहारी दास जी महाराज के सानिध्य में प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक यज्ञशाला में देवी देवताओं का आह्वान एवं पूजा अर्चना किए जाने के उपरांत 10 से 2 तक यज्ञशाला में बने 108 कुंडों पर विराजमान जज मानव द्वारा प्रतिदिन 1,07,000 आहुतियां प्रभु के निमित्त समर्पित की जाती रही है, तो वहीं व्यास गद्दी पर विराजमान यज्ञ आचार्य अशोक कृष्ण शास्त्री के द्वारा श्री राम कथा के विभिन्न प्रसंगों की संगीत में प्रस्तुतियाँ श्रोताओं को भाव विभोर करती रही है। श्री मोहनदास जी महाराज के सानिध्य में ये श्री राम महायज्ञ चल रहा है। उनके शिष्य बिहारी दास जी इस श्री राम महायज्ञ के आयोजक हैं। 22 मई 2023 से स्टार्ट हुआ है और प्रारंभ हुआ है और इसका समापन 30 मई 2023 को मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में होगा। यह श्री राम महायज्ञ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अनावृष्टि और अतिवृष्टि को रोकने के लिए, सब प्रकार की शांतियों के लिए किया जा रहा है। इस श्री राम महायज्ञ का में 108 कुंड है, इसमें प्रतिदिन 1,60,000 आहुतियाँ इसमें प्रतिदिन प्रदान की जाती हैं और प्रतिदिन इसमें नित्यार्चन होने के पश्चात ये यज्ञ प्रारंभ होता है और 2 बजे इसका आरती के साथ समापन किया जाता है। जय श्री राम। हमारे गीता में भी लिखा है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्नात भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से भगवान पर्जन्य इंद्र प्रसन्न होते हैं और इंद्र के प्रसन्न होने से बारिश होती है और बारिश होने से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होने से प्राणी मात्र का जीवन संरक्षित होता है। और ये गीता में लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखा भी, जैसे ही हमने अग्नि स्थापन करके अग्नि में आहुतियाँ प्रदान की, वैसे ही भगवान इंद्र प्रसन्न होकर के हमारे यहाँ यजमान दंपतियों के ऊपर अपने जल से अभिषेक कर रहे हैं। प्रकार के आयोजनों से जुड़ करके धर्म की निरंतर वृद्धि होती है और निरंतर पवित्रताएं बनी रहती हैं, संस्कारों में भी वृद्धि होती है, प्रकृति में वातावरण शुद्ध होता है और भावनाएं भी
परिवर्तित होती रहती है। यह काफी मंगल सूचक कार्य है। बोले सीताराम भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। मोहनदास जी ग्वालियर से। करे धाम आश्रम बड़ा आश्रम करे धाम बाबा पटिया वाले तपो भूमि मुरैना जिला। यहाँ किस प्रयोजन से आप आए हैं? जहाँ हमारा शिष्य रहता है बिहारीदास जी, उसके जग में हम आए, उसने बुलाए हुए हम आए जग में। हमारा चेला है बिहारीदास, वो सबके भक्तों के सहयोग से जग उड़ाए, उस जग में हम सब लोग आए हुए। वेदों का जग से महत्व सब वर्षा होना और भगवान की कृपा से जो है शांति मिलना, संसार को शुभ काम होना, इससे वर्षा होती है, दृष्टि होती है यज्ञ से, और सब भक्तों का कल्याण होता है। परिक्रमा देने का बहुत फल है इसका यज्ञ का, और एक से आठ कुंडी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ होता है, ये यज्ञ जो है विश्व के कल्याण के लिए होता है, शांति बनी रहे, अमन में, और इसी कारण से जब कराया जाता है कि जनता में, जनार्दन में, क्षेत्र में, और सब सुख शांति बनी रहे। कृपा से गुरु महाराज चरणों के आशीर्वाद से उससे ज़्यादा मेरे कुछ नहीं। ये चमत्कार मैं मेरे गुरुजनों की और हनुमान जी की ठाकुर जी की कृपा सुनाता हूँ, मेरे गुरुजनों की, मेरे संत पुरुषों की, उनकी जो है कृपा है, उनका आशीर्वाद है। यहाँ पे श्री मोहनदास जी महाराज, श्री प्रेमदास जी महाराज के आशीर्वाद से श्री बिहारीदास जी महाराज के सानिध्य से 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ चल रहा है, जो जिसका सुबह 7 बजे से यज्ञ का 22 तारीख से शुरू होके 30 तारीख को पूर्ण आहुति के साथ समापन हो। यज्ञ सुबह 7 बजे से शुरू होके 2 बजे तक यज्ञ का समापन होता है। सुबह 7 से 10 बजे तक यज्ञ में पूजा होती है, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। 10 से 2 बजे तक प्रतिदिन 160,000 आहुतियाँ घी की 108 यजमान लोग भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाता है। यज्ञ में प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार आदमी प्रतिदिन रोज भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। फलार यज्ञ में बैठने वालों के लिए फलार की अलग से व्यवस्था है, शाम को अलग से भंडारा किया जा रहा है, इसके लिए विशेष अलग अलग समितियां बना रखी है, भोजन व्यवस्था के लिए, पानी व्यवस्था के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, अलग अलग से सारी व्यवस्था। कहते हैं जंगल में मंगल यदि कहीं देखना हो तो नाडा वाले बालाजी के यहाँ देखने को मिलेगा। जहाँ सुनसान हुआ करता था, जहाँ बिगट नज़र आता था, आज जिस तरह से लोगों की आवाजाही देखी जा रही है, हजारों लोगों का आवागमन यहाँ देखा जा सकता है, ये सब आप ही सब भामाशाहों के ही देन मानी जा सकती है, जो कि भगवान प्रेरणा से आपने ये सब कर दिखाया। क्या हुई ये व्यवस्था, ये चमत्कार की प्रेरणा कहाँ से मिली? हनुमान जी महाराज का ही आशीर्वाद है सर। आप ये मान लो कि 4 दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतना तूफान आ रहा है, पर 1 मिनट के लिए भी यज्ञ की व्यवस्था कहीं डावाढ़ोल नहीं हुई। यज्ञ के समय में, पूजा के समय में कोई बारिश का मतलब हमारे प्रभाव नहीं पड़ा। इतना तेज अंधकार आया तो कोई भी हमारे टेंट में कैसा भी कोई सीधा या किसी को चोट लगना, ये सब बालाजी की कृपा से सारा काम संपन्न हो रहा है। बालाजी के इस स्थान पे एक और जहाँ यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो इस मंदिर का अपना एक महत्व है। मंदिर परिसर के अंदर कदम और कदमनी का पेड़ है, जो कि हजारों साल पुराना है। अपने आसपास वृंदावन के अलावा ये पेड़ कहीं उपलब्ध है। इस मंदिर के अंदर प्रतिदिन इतने पशु पक्षी आते हैं कि प्रतिदिन 1.5 क्विंटल अनाज रोज का लगता है। उसमें भी पक्षियों की अलग सी व्यवस्था है, टाइम टू टाइम जिस टाइम कबूतर आएंगे तो उस टाइम कबूतर ही आएंगे, जिस टाइम तोते आएंगे उस टाइम तोते आएंगे, सब पक्षियों की अलग अलग टाइमिंग व्यवस्था है। जी। 1 से 2 कबूतर आते हैं, 2 से 3 पैरेट आते हैं, 3 से 4 मोर आते हैं, तो सब एक अलग अलग, ये भगवान का चमत्कार है। मंदिर के अंदर 7 साल से अखंड रामायण का आयोजन, जो अनवरत 7 साल से कंटिन्यू चल रही है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हमने पत्थरों के अंदर 200-300 प्रजाति के पेड़ लगाए और सारे के सारे पेड़ आज फल फूल रहे हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है, उस रामायण का एक आध्यात्मिक यहाँ वातावरण जो बना है उसका प्रभाव।
मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई में कम से कम 5 से 10% जितना भी कमाते हैं, अपन 1000 रुपये कमाते हैं तो 50 से 100 रुपये अपने को धर्म में खर्च करना चाहिए, और वो जितना आप खर्च करोगे उससे वो 4 गुना होके वापिस आपके पास वापस आएगा।